हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जितने भी हैं, और गेस पेपर का पार्ट थ्री है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण के बारे में क्या सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा गया है, यानी क्या सही है। प्राथमिक शिक्षा का जब विकेंद्रीकरण किया गया तो विकेंद्रीकरण क्या है, हमने ये भी बताया, वो वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप उसका मतलब जानेंगे तो आंसर भी बहुत जल्दी से आप सर्च कर लेंगे। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण तथा प्रबंधन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित एक लक्ष्य है। प्राथमिक शिक्षा को ग्राम पंचायत के हवाले सौंप दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहे और इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण तथा प्रबंधन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा स्थापित एक लक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक था? यानी पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए तो किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? किस शिक्षा नीति में ऐसा सोचा गया? नई शिक्षा नीति 1986, पाठचर्या 2002, पाठचर्या 2005, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जनरली अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोई शिक्षा नीति के बारे में अगर बात की जाए, देखिए, तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि 100 में 90% जो नीतियाँ होती हैं, वो जो नई शिक्षा नीति आपकी है 1986 से ली गई हैं, उनमें सोची गई हैं। तो आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नई शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता किस शिक्षा जागरूकता के बारे में सोचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन संबंधी पाठचर्या के बारे में सत्य है? अध्यापन संबंधी जो पाठचर्या है उसके बारे में क्या सही है, अब आपको बताना है क्या सही है ये बताना है आपको। तो अध्यापन संबंधी चीज़ें 80% होनी चाहिए, पाठचर्या में बाल केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए, क्रियाकलाप आधारित तथा सहकारी उपागमों द्वारा अध्यापन पर काफ़ी बल दिया गया और उपयुक्त सभी। तो देखिए, अध्यापन संबंधी जो पाठचर्या है वो बिल्कुल इसमें सभी जो चीज़ें हैं सही हैं कि अध्यापन संबंधी चीज़ों में 80% होनी चाहिए, यानी कि जो यदि आप पढ़ा रहे हैं तो 80% एजुकेशनल मटेरियल होना चाहिए पाठचर्या में। बाल केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि बच्चे ताकि इंटरेस्ट लें, और क्रियाकलाप आधारित तो सहकारी उपागमों द्वारा अध्यापन पर काफ़ी बल दिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनुसूचित जात की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% थी, और जिसमें पुरुष का दर 75.2% जबकि महिलाओं की थी। तो अब आपको ये बताना है कि यानी अनुसूचित जात की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% थी, ठीक है ना, और जिसमें पुरुष का दर जो था 75.2% था, तो महिलाओं का दर कितना होगा, अब आप ये बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, 56.5%। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शून्य आविष्कार नीति क्या है? अब शून्य आविष्कार नीति आपको बताना है क्या है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, शिक्षक की गलती पर माफी नहीं, सभी विद्यालयों में शौचालय और नियमित कक्षाएँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, शून्य आविष्कार नीति जो है, तो इसका सही जो आंसर होगा, किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और यही है शून्य आविष्कार नीति, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। E9 देश कहलाते हैं, जमेतियन सम्मेलन याद आ गया होगा आपको, E9 देश जमेतियन सम्मेलन को ही कहते हैं। भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं बी ऑप्शन, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। सी, भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो मैंने कई बार आपको बताया कि जमेतियन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट होता है मैं वो बता देती हूँ। तो अभी जस्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था तो उसमें भी मैंने कहा था और आपको बताया था कितने देश हैं, 9 देश हैं, कौन कौन से हैं, खासतौर पर सभी पड़ोसी देश हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका जो आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका है ए। जैसा देख रहे हैं, भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान जो है, ये सभी आपके E9 देश कहलाते हैं, ठीक है।
भारत, बांग्लादेश, चीन और आपका पाकिस्तान जो है, बंगला ये आपके पड़ोसी देश हैं, और थोड़ा सा आप ले लीजिए साउथ की तरफ तो ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्य फोकस विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना है। इसकी स्थापना दिल्ली में कब की गई? मुख्य फोकस यानी मेन उद्देश्य क्या है? विद्यालयीन शिक्षा में सुधार लाना, एक उद्देश्य तो याद ही कर लीजिए। और इसकी स्थापना दिल्ली में की गई, लेकिन कब की गई ये आपको बताना है। तो देखिए, इसकी स्थापना जो डी यानी सितंबर 1961 में NCERT की स्थापना की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में। यानी इसका मेन जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने वर्ष 1992 में किस संस्था की मदद से राजस्थान सरकार ने वर्ष 1992 में किस संस्था की मदद से लोक जुम्बिश परियोजना की शुरुआत की थी? अब आपको संस्था का नाम बताना है। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडा, SIDA, विश्व बैंक, योजना आयोग या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लोक जुम्बिश मैं बार बार कह रही हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ईयर आप याद रखिएगा, 1992 में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि लोक जुम्बिश परियोजना जो है कब शुरू की गई, तो 1992 में या किस सरकार के द्वारा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से राजस्थान सरकार ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के लिए शिक्षा उद्देश्य है क्या? सर्व शिक्षा अभियान का, महिला शिक्षा का, ग्रामीण शिक्षा का या शहरी शिक्षा का? जीवन के लिए शिक्षा एक उद्देश्य है, एक ये लोगो है, आप लोगो ही समझ लीजिए। किस चीज़ के लिए? सर्व शिक्षा अभियान का, या फिर मेन उद्देश्य महिला शिक्षा जो है उसका मेन उद्देश्य है, ग्रामीण शिक्षा का, शहरी शिक्षा का? आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य है जीवन के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए, कि मध्याह्न जो योजना है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत इजी है, बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहे, पंजीकरण में वृद्धि तथा उपस्थित प्रतिशत बढ़े, समाजीकरण में वृद्धि, पोषण का ध्यान व परोक्ष रूप से महिलाओं को रोजगार और उपयुक्त सभी। तो आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा क्या है, और मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही आए, इजी आए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि मध्याह्न भोजन का मेन उद्देश्य ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या है, चार या तीन उद्देश्य लिखिए बस। तो बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहें, पंजीकरण में वृद्धि, उपस्थिति प्रतिशत बढ़े, यानी एक लालच दिया जाता है बच्चों को, जब खाना देंगे तो बच्चे स्कूल तो आएंगे ही, जब बच्चे स्कूल आएंगे तो नामांकन होगा, नाम लिखाएंगे, उसमें वृद्धि होगी और उपस्थिति बढ़ेगी, यानी खाना डेली मिल रहा है तो डेली आएंगे। पहले तो बच्चे नाम लिखा के भी स्कूल से गायब हो जाते थे, लेकिन जब मिड डे मील मिल रहा है दोपहर का खाना तो वो डेली आएंगे। समाजीकरण में वृद्धि होगा और पोषण का ध्यान भी रखा जाता है इसमें, और परोक्ष रूप से महिलाओं को रोजगार भी, जो खाना पकाती हैं वो औरतें होती हैं, सबसे बड़ी बात। मिड डे मील में, मध्याह्न भोजन में याद रखिएगा, जो खाना पकाती हैं वो सिर्फ औरतों के लिए होता है, जब औरतें ही खाना पकाती हैं तो औरतों महिलाओं को इसमें रोजगार दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समुदाय के स्वामित्व का क्या अर्थ है? अब शिक्षा में जो समुदाय होता है उसके स्वामित्व का क्या अर्थ होता है? महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति, पंचायती राज व्यवस्था के संस्था के सदस्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा में समुदाय यानी शिक्षा जो होती है, आप प्राइमरी लेवल की शिक्षा पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी लेवल पे कब्जा किसका होता है? ग्राम पंचायत का, ठीक है ना? कर्ता धर्ता जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, इसीलिए स्वतंत्र वो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है ग्राम पंचायत के अंडर में होती है, जो वहाँ के शिक्षा समिति होते हैं और जो टीचर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, हर एक कर्तव्यों को आराम से वो निभा सकते हैं, कोई उन पे प्रश्न नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी शिक्षा में समुदाय के स्वामित्व का अर्थ होता है महिला समूह भी होता है, ग्राम शिक्षा समिति भी होती है, पंचायती राज व्यवस्था जो संस्था होती है उसके सदस्य होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कि किस शिक्षाविद ने क्रिया में ज्ञान मुहावरे का प्रयोग किया, और इसका सीधा अर्थ है कि जिसका संबंध उस ज्ञान से है जो उस समय प्रकट होता है जब हम किसी कार्य को करने में लगे हैं अथवा किसी समस्या का हल करना चाहते हैं। अब आपको बताना है नॉलेज इन एक्शन जो है वो किस शिक्षाविद ने किया था, यानी क्रिया में ज्ञान मुहावरे का प्रयोग। डोनाल्ड सोयन, महात्मा गांधी, रूशो या सुकरात ने?
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, डोनाल्ड शोयन ने, डोनाल्ड जो शोयन है उन्होंने क्रिया में ज्ञान मुहावरे का प्रयोग किया था। नाली काली व्यवस्था की विशेषता है, नाली काली जो व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है? बच्चों को अधिगम आधार पर कक्षा में बैठाया जाता था, यानी जाति या लिंग के आधार पर नहीं। एक प्रकार की समाजवादी व्यवस्था है और इसका आधार धार्मिक है या फिर उपयुक्त चारों। अब आपको बताना है कि नाली काली व्यवस्था क्या थी, इसकी क्या मेन विशेषता थी। तो देखिए इसका जो आंसर है, यदि आपने पढ़ा होगा तो गेस कर लिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बच्चों को अधिगम आधार पर कक्षा में बैठाया जाता था, यानी जात या लिंग के आधार पर नहीं। अधिगम यानी बच्चा जो जैसा सीखता था, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो होता था उसको पहले बिठाया जाता था सबसे आगे, जो कमजोर होता था उसको पीछे। तो बच्चों को अधिगम आधार पर कक्षा में बिठाया जाता था, यही है आपका नाली काली व्यवस्था की मेन विशेषता। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके कहने पर बनाया गया था? वेरी इजी आंसर, पता चल गया होगा आपको। चलिए मैं इसका बता देती हूँ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के कहने पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ठीक है ना। और यही मेन था आपका मैकाले मिंटस, अंग्रेजी माँ को ही वो भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, उन्होंने एक विवरण दिया था और यही मैकाले मिंटस कहलाता है। बस आपको इतना ही उसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ हमारे लिए यह असंभव है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें। अब यह कथन किसका है, किसने कहा था कि जो संसाधन की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सीमित हैं और सारी जनता को यानी पूरे भारतीयों को हम शिक्षित कर पाएं यह मुश्किल है। अब सीधी सी बात है, इसका भी आंसर बहुत ईजी और आपने गेस कर लिया होगा कि किसने कहा होगा। तो जो इसका आंसर है वो होगा आपका लॉर्ड मैकाले ने कहा था। और इसीलिए ये जो चीज़ है, ये कथन जो है ये आपका है जो निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है ना, यानी ज्ञान का ऊपर से नीचे की ओर छन छन के आना। तो वही उन्होंने तब ये चीज कहा था कि जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन है वो बहुत कम है, पैसे बहुत कम है, हम जो भारतीय लोग हैं सभी भारतीयों को हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, शिक्षित नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन लोगों को शिक्षा दी जाए और जब उनके संपर्क में जो नीचे के वर्ग के लोग आएंगे तो वो खुद ही शिक्षित हो जाएंगे, खुद ही उनसे पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। तो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर शिक्षा का छन छन के आना ही निस्पंदन सिद्धांत कहलाता है और इसका जो प्रतिपादक है वो लॉर्ड मैकाले ही है। भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए जो प्राथमिक शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा हो वो सिर्फ भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में रखी गई है। शिक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है कि भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में शिक्षा से संबंधित पूरे अधिकार रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी शिक्षा प्रणाली का पिरामिड है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसका पिरामिड क्या है? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर या वरिष्ठ शिक्षा। सीधे सा इसमें कुछ आपको गेस नहीं करना है, बहुत बड़ा हिंट देती हूँ, आप जिस लेवल को पढ़ा रहे हैं यानी प्राइमरी लेवल को आप पढ़ा रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रारंभिक शिक्षा। पिरामिड वही होता है कि जब बच्चे, नहीं बोलते कि बच्चे का जब नींव मजबूत होगा तो बच्चा आगे चल के भी अच्छा बनेगा, अच्छा पढ़ेगा। तो प्रारंभिक शिक्षा ही आपकी नींव होती है 1 क्लास से लेकर 5th क्लास तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य किसके पास है? यानी सर्व शिक्षा अभियान जो होता है उसमें अध्यापकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह कौन देता है? NCERT, DIET और DEP या विश्वविद्यालय। हर बार कहा है हमने कि जो भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, चाहे वो पूर्व प्रशिक्षण अध्यापक हो या चाहे सेवाकालीन हो, इन दोनों में भी डिफरेंस है, इनको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण या फिर सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में क्या अंतर है, बताइए, ठीक है। तो देखिए इन सभी को जो प्रशिक्षण होता है, टीचरों को प्रशिक्षण अध्यापक को डाइट देता है, डाइट का काम ही होता है प्रशिक्षण देना, उसे प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। तो अगर सर्व शिक्षा अभियान नहीं आता है, ऐसे भी आता है कि अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य किसके पास है, तो डाइट है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? अभी आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।